वेलकम टू मैरिज मेंटर्स। अभी इग्नू की पीएचडी का जो नोटिस आया था, जिसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर थी, 22 दिसंबर, वो एक्सटेंड हो गई है। अब आप 30 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक इसको फिल कर सकते हैं। ये है क्या, वो मैं आज आपको डिटेल में बता देती हूँ। इग्नू की पीएचडी है, जिसका एंट्रेंस अब एनटीए लेगी इस साल। एनटीए बॉडी जो हमारे नेट के, यूजीसी नेट और बड़े बड़े एग्ज़ाम आईआईटी वगैरह जेई कंडक्ट करती है, वो बॉडी है। वही बॉडी अब इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस लेगी। ये बच्चे जो भी पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अभी इसके लिए 1 वीक एक्सटेंड भी कर दिया गया है, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए, वो अपने फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। और ये उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, इनकी साइट पे जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पहले ओपन करना है ना। पहले हम सारा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड कर लेंगे, फिर आप इसको भरना शुरू कीजिए। ये साइट आपको दी हुई है यहाँ पर, ये इसकी साइट है। इस साइट पर जाके आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखिए, और यहीं पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो मेन जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। डेट्स का मैंने आपको बता दिया। अब आप 30 दिसंबर तक इसको फिल कर सकते हैं, और पेमेंट 31 दिसंबर तक हो सकती है, ठीक है। एनटीए बॉडी है, वो आपको पता ही है। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप सीधा पेज नंबर 4 पे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में क्या है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 50 50 50 आपके सब्जेक्ट में से और 50 रिसर्च में से, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा इंटू 4, तो ये 400 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 3 आवर्स का, 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 3 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम हो गया। एलिजिबिलिटी में आपको पता ही, एलिजिबिलिटी में 55% आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, रेलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसी सब्जेक्ट की पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्वेशन वाला पॉइंट आप 6 पेज नंबर 6 पर जाके देखिए। और चॉइस ऑफ सिटी फॉर एग्ज़ाम सेंटर, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर इस पे दे रखे हैं, हर स्टेट की कैपिटल सिटी में एग्ज़ाम सेंटर हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और यूपी स्टेट कवर कर रहे हैं, अगर आप यूपी का सेंटर भर देंगे तो आपका सेंटर लखनऊ पड़ेगा, जबकि आपको यहाँ बैठे हुए दिल्ली में, दिल्ली नज़दीक पड़ रहा है। तो आप अपनी प्रेफरेंस सिटी में यूपी ना चूज़ करके दिल्ली चूज़ कीजिए, तो आपका नियर बाय आएगा। अगर आपने यूपी चूज़ कर दिया तो आपका लखनऊ सेंटर पड़ सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखिए। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ खास नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड जैसे नेट का एडमिट कार्ड आता है, वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे नेट, जिन्होंने नेट दे रखा है उनको तो पता होगा, वैसे ही है। इसमें जो एक नई चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है अभी की हुई है गवर्नमेंट ने, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर TPC, क्या है ये TPC? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए फैसिलिटी दी है। ये TPC सेंटर्स हैं, इसका एनेक्स्चर भी यहाँ दिया है, वहाँ जाके हम इसकी, आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए है, एक तरह से मॉक टेस्ट है। आप इसको दे के आपको पता चलेगा कि आपको वो टेस्ट कैसे देना है। बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, अनफेयर मीन्स हैं, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ आंसर की है, रिज़ल्ट कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक इसमें अच्छी चीज़ ये भी है, कॉमन सर्विस सेंटर्स ये उनके लिए जहाँ पे रूरल एरियाज हैं या दूर दराज के एरिया, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के भी फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए है ये कॉमन सर्विस सेंटर बना दिए गए हैं। वहाँ जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है, ई वॉलेट से ही वहाँ पे आपकी पेमेंट हो जाएगी। और पूरे इंडिया में ये कुछ समथिंग लैक्स में ये सेंटर हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो ये एनेक्स्चर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये सीधा आप इस पेज नंबर पर जाके देख लीजिए। अब पेमेंट ऑफ फीस की पेमेंट कैसे करनी है, सिलेबस। अब देखिए सिलेबस 25 नंबर पेज से लेके 108 नंबर पेज तक है। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपको ये सारे पेजेस स्क्रॉल करके देखने पड़ेंगे।
लेकिन अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वेमेन स्टडीज़, तो वेमेन स्टडी का पेज नंबर मैं आपको सीधा बता देती हूँ, इसका नंबर है 10, मतलब 10th सब्जेक्ट पे जाके इसका 10th नंबर पे जाके इसका सिलेबस दिया हुआ है, और पेज नंबर है 78 पेज नंबर, सब्जेक्ट नंबर 10 पे जाके आपका वेमेन स्टडी का सिलेबस शुरू हो जाता है, वहाँ पे जाके आप इसको सीधा देख सकते हैं। आई थिंक ये 78 से लेके 82 या 84 तक समथिंग आपका सिलेबस दिया है, तो आप सीधा पेज नंबर ये टाइप कीजिए, आपको सारे 25 से लेके 108 तक सारे पेजेस को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये सब पॉइंट्स हैं, अगर आपको किसी मतलब अपना सब्सक्राइब चाहिए, मतलब ये सब और पॉइंट्स हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ आप वो देख सकते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट पहले ही बता दिया, ठीक है, कि अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप अपना देख के एरिया देखिए, देख के एरिया की जो भी आपको नियरेस्ट पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर है ना वही देखिए, अगर आप यूपी में हैं तो यूपी का तो एक ही सेंटर बनेगा लखनऊ, तो लखनऊ बहुत दूर पड़ेगा, और अगर आप यूपी के ऐसे एरिया में हैं जो दिल्ली में है या दिल्ली NCR में पड़ता है तो बेटर है कि आप दिल्ली ही चूज़ कर लें, क्योंकि न्यू दिल्ली का सेंटर तो न्यू दिल्ली में ही पड़ेगा। और ये टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्लीज़ आप ये वाला एनेक्सर जरूर देख लें, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे जाके पेज नंबर 116 पे जाके आप इसकी लिस्ट दे सकते हैं, और आप ये हर विलेज हर ग्राम पंचायत पे ये एक कॉमन सर्विस सेंटर बना हुआ है, वहाँ जाके आप इसका देख सकते हैं। और रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म खोल के देख लीजिए, उसमें बिल्कुल बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, वैसे बिल्कुल भी मुश्किल फॉर्म नहीं है, जैसे हम सिंपल नेट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो वैसे ही है, कोई बहुत मुश्किल फॉर्म नहीं है। तो ये सारी मेन बातें हैं, इस फॉर्म को फिल कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब डेट भी एक्सटेंड हो गई है, तो अब आप 23rd से लेकर 30th तक इसको ज़रूर फिल कीजिए और इसका सिलेबस थोरली देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए देखिए, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वेमेन स्टडीज़ में उनके लिए तो ईजी है, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सिलेबस को ही रिवाइज़ करके जाइए, और रिसर्च के लिए जो इन्होंने दिया है जितना भी सिलेबस है उसके लिए आप इग्नाउ की साइट पे जाइए, वहाँ पे MA in Women and Gender Studies का सिलेबस है, उसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है रिसर्च का, है ना, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट रिसर्च पे है, वो बहुत डिटेल में है, वहीं से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट प्रिपरेशन अगर आप रिसर्च वाले पार्ट की करना चाहते हैं तो इग्नाउ के ही एमए के स्टडी मटेरियल से ही आप करिए, बहुत ही अच्छे स्टडी मटेरियल इग्नाउ ने बनाए हुए हैं। और बाकी अगर आपने एमए इन वेमेन स्टडी नहीं किया हुआ, आप इस सब्जेक्ट के लिए नए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इग्नाउ के एमए के ही सारे स्टडी मटेरियल को थॉरली रेफ़र कीजिए, उससे बाहर ये पेपर नहीं आ सकता, विद इन दैट ही ये पेपर कवर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है डेफिनेटली। तो और ऑनलाइन आपको इनके स्टडी मटेरियल मेरे हिसाब से इजीली मिल जाएंगे, आप उसको देखिए और एक बार उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए, या आपने नेट का एग्ज़ाम दिया तो आपके नेट प्रिपरेशन की कोई भी बुक है आप एक बार उसको देख लीजिए, अपने एमए वाले सिलेबस को देख लीजिए जो भी आपने एमए में किया था, और अगर एमए में नहीं किया था तो इग्नाउ के आप जाइए वेबसाइट पे, और वहाँ पे उनके जितने भी स्टडी मटेरियल्स उन्होंने डाले हुए हैं ऑनलाइन उनको देख लीजिए, आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और बहुत कम टाइम है, जल्दी से आप इसका फॉर्म भरिए और इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और जिन्होंने अभी दिया है वेमेन स्टडीज़ का एग्ज़ाम, थोड़े ही दिन हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, अभी आपने नेट दिया है, सारी प्रिपरेशन आपकी हो रखी है, आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करना है, रिसर्च वाले पार्ट को थोड़ा सा अपग्रेड करना है,
और अगर इस एंट्रेंस में आपका आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपको अपना सिनॉप्सिस या आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे देनी होगी। और पहले आप इसको प्रिपेयर कीजिए, फिर आप अपने प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन के काम में लग जाइए। अगर इग्नू में पीएचडी का हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे सारे वेमेन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ जरूर पोस्ट कीजिए, एंड एनी टाइम यू कैन कॉल मी बाय देन।